नमस्कार, मैं रवीना, एमएनएस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबर। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने एक दूसरों को खिलाए लड्डू। भंडारा जिले के तुमसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले और माजी पंचायत समिति सभापति कलाम भाई शेख आमने सामने आ गए। आज मकर संक्रांति होने से दोनों नेताओं ने एक दूसरे को तिल के लड्डू खिलाए और साथ ही एक दूसरे को बधाई भी दी। वहीं दूसरी खबर सामने आ रही है, अजीत पवार का बयान, कहा मैंने नहीं किया घोटाला। नागपुर और अमरावती जल सिंचाई परियोजनाओं में मैंने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया है तथा इस संदर्भ में दाखिल याचिकाकर्ता के सभी आरोप बेबुनियादी होने की बात अजीत पवार की ओर से मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में सादर की गई। नागपुर और अमरावती विभाग के एंटी करप्शन ब्यूरो ने अजीत पवार पर लगे हुए सभी आरोप खारिज कर दिए हैं। वही तीसरी खबर सामने आ रही है, क्या उदयन राजे छोड़ेंगे भाजपा, गजबिये का पलटवार। पूर्व सांसद उदयन राजे भोसले द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के विरोध में की गई टिप्पणी पर राष्ट्रवादी कांग्रेस विधायक प्रकाश गजबी ने पलटवार किया है और कहा कि क्या उदयन राजे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाली भाजपा से नाता तोड़ेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।